तो समथिंग कितने टाइम में पूरा होटल तैयार हो जाएगा? 8 से 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 दिन मैक्सिमम 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन तो 15 डेज मतलब खाली ऊपर वाला फ्लोर या पूरा होटल का? ये ऊपर का जो 6 रूम, अच्छा, जो लग्जरियस रूम जो बने हुए, ये विदिन 15 डेज में ये कम्प्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक बार फिर से मैं हालांकि ऐसे में चेक आउट कर रहा था, हालांकि पारस होटल से जहाँ मैं रेगुलर रुकता हूँ जब भी उदयपुर आना होता है, तो भाई साहब यहाँ पे जो पूरा काम का जो संभाले होटल जो पूरा तैयार हो रहा है, कैसा भैया? बढ़िया बढ़िया। तो आज हमारे को भाई साहब गाइडेंस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि होटल पारस जो अपना बहुत ही सदाबहार, बहुत ही लग्जूरियस होने वाला है, तो उसका कार्य देखिए प्रगति पर है। तो आइए भाई साहब हमारे को कुछ सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का कार्य चल रहा है, कितना टाइम और लगेगा, कितना काम हो चुका है, वो सब हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो बताइए दादा अभी क्या है? ये हेडबोर्ड साइड है। जी जी ठीक है। बीच में ये ग्लास आ रहा है पूरा। जी जी। और ये आपका पलंग है। बिल्कुल, ये पूरा बेडरूम खुलेगा। ये बेड है आपका। जी जी। इसमें डबल बेड है। डबल बेड, बेड से बेड मतलब आएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, बेड से बेड बाहर आएगा। और ये ड्रेसिंग है यहाँ पर। बिल्कुल, ये ड्रेसिंग का पूरा मटेरियल पड़ा है यहाँ पे। ये आपका बाथरूम है। और ये जो है वॉशरूम बाथरूम जो है पूरा यहाँ पे तैयार हो रहा है गाइस। और ये जो है वार्डरोब है, अलमारी, इसमें आप अपने कपड़े वपड़े भी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सोफे आना बाकी है अभी। सोफे भी लगेंगे यहाँ पे। यहाँ सोफे आना बिल्कुल बाकी है। तो यहाँ पे लगेंगे दोस्तों सोफे, और यहाँ पंखा लगेगा, और उस बाजू एसी लगेगी। और ये पूरा जो है देखिए बाहर का लुक, क्योंकि बाहर का सीन कुछ इस तरह का है। ठीक है, बहुत ही शानदार तैयार हो रहा है गाइस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा जो है डेकोरेशन, इंटीरियर जो है काफी काबिल तारीफ है एकदम। तो और ये है दूसरा रूम जो कि हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दूसरा रूम किस तरह से तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये सीन अच्छा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रेलवे की लाइन जा रही है। अच्छा, ये बिजली। अच्छा अच्छा, तो ये जो है देखिए सामने घाटी, ये है बालकनी व्यू दोस्तों यहाँ का। तो बालकनी व्यू से सामने देखिए घाटी है, और वो घाटी कहाँ तक जाती है सर? ऊपर ये सर पूरा मतलब सिटी पैलेस वाला, ये पूरा सिटी पैलेस वाला है ना, गुलाबबाग से आगे। तो ये गुलाबबाग से आगे वाला जो पूरा लोकेशन है, तो काफ़ी अच्छा बालकनी व्यू है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इधर और इस तरफ भी, तो चारों तरफ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ अपना उदयपुर सिटी, उसका प्रेम लगा हुआ। ये आपका टीवी यूनिट। बिल्कुल, तो ये टीवी यहाँ पे LED लग जाएगा। बिल्कुल। ये आपका ड्रेसिंग, ये ड्रेसिंग रूम बन जाएगा। जी जी। ये आपका बैक साइड। बिल्कुल, ये बैक साइड, ये टाइल की इसमें ये लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, टाइल्स की डिजाइन वगैरह। हाँ। और ये आपका बेड है। ये बेड है पूरा। हाँ, इसमें सारा कुशन आएगा। अच्छा, इसमें सारा कुशन आएगा। ये कुशन, ये साइड बॉक्स है। ये साइड बॉक्स रहेगा। हाँ, अच्छा, साइड बॉक्स लगेगा। दो ऐसे साइड बॉक्स है, एक लेफ्ट एक राइट। जी जी। ये सारा कुशन से पूरा कवर हो जाएगा। बिल्कुल ये पूरा पार्ट। जी जी। ये भी बेड में से बेड आएगा, बेड में से बेड निकलेगा। अच्छा सर। ये इसके वार्डरोब है। ये वार्डरोब है दोस्तों, जो कि फर्नीचर कुछ तैयार हो चुका है यहाँ पे वार्डरोब। तो यहाँ भी हैंडल लगना बाकी है, और बाकी आप देख पा रहे हो, मैं खोल के दिखाते रहूँ। देखिए काफ़ी सुंदर वार्डरोब बना हुआ है यहाँ पे। और ये वॉशरूम, वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ी बिग साइज में बना हुआ है। तो और भी कार्य प्रगति भी है, फिलहाल कार्य चल रहा है। ठीक है, तो वॉशरूम भी बनने वाला है यहाँ पर बड़ा। तो काफ़ी सुंदर रूम तैयार होने वाले दोस्तों। बट आप लोग कभी भी उदयपुर आए हैं, एक अच्छे होटल की तलाश में हो, तो होटल पारस में जरूर ठहरे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में परफेक्ट एड्रेस भी दे दूंगा, और उदिया पुल के अंदर पड़ेगा। एक और ये रूम आपको दिखा देता हूं। आपको ये और है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हेडबोर्ड साइड है। बिल्कुल। ऊपर ये आपका, और सामने ये कुशन आएगी। सामने कुशन आएगी। हाँ, ये पलंग है आपका। बिल्कुल, ये पलंग है। सामने बाथरूम है आपका। सामने बाथरूम बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह। और ये इस साइड है टीवी यूनिट। ये टीवी यूनिट आ जाएगा इधर। और टाइल्स भी काफ़ी प्यारी वाली लगी हुई है दोस्तों, एकदम 3D इफेक्ट वाली है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एकदम 3D इफेक्ट आता है इसमें। और ये वार्डरोब है, इसमें आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये वॉशरूम है यहाँ का, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम भी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। तो आप लोगों को कैसे लगे यहाँ के रूम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग आइएगा उदयपुर कभी भी, तो यहाँ पे ज़रूर ठहरिएगा दोस्तों उदयपुर के अंदर कभी भी आओ। तो चलिए एक और रूम में आपको वो भी दिखा देते हैं। तो एक ही कॉमन रूम बन रहा है। अच्छा, 2-in-1। तो ये है दोस्तों 2-in-1 रूम जो कि बन रहा है यहाँ पे। देखिए एक इसमें इस तरफ बेड लगा हुआ है, और डबल रूम है, वार्डरोब है, ये वार्डरोब है, ड्रेसिंग है। बिल्कुल, ये ड्रेसिंग है। आपका वॉशरूम बाथरूम, वॉशरूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें से भी पलंग से पलंग बाहर आएगा, ये पलंग से पलंग बाहर आएगा। और ये कॉमन मतलब
सामने ये रूम सामने ही है, मतलब डबल फैमिली है तो उनको भी दिक्कत है, फैमिली के लिए ये रूम बना हुआ है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है मेरी तरह, तो आप बड़ी फैमिली के साथ आते हो कभी भी, तो यहाँ पे रुक सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाएगा और एक बेडरूम वहाँ पे सामने मिल जाएगा। हाँ, ये सामने इधर टीवी यूनिट और यहाँ पे टीवी यूनिट अलग लग जाएगा। हाँ। तो ये एक पॉइंट वाली बात है। यहाँ पे अच्छी बात मुझे लगी, अच्छी बात ये लगी दोस्तों कि आपकी डबल फैमिली है तो आपको दो रूम अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रूम में बड़ी फैमिली से बिल्कुल, सकती बिल्कुल, है, राइट? बिल्कुल, राइट। तो अच्छी बात है बहुत ही। और मेन चीज है यहाँ पे काफी काम जो है और सारा मटेरियल जो है काफी अच्छा यूज किया जा रहा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ का अंदर वाला वॉशरूम है, तो काफी अच्छा बन रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो कार्य प्रगति पर है और भैया लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैसे हो भैया आप? अच्छा, मजे में? तो भैया लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। मुंबई से आए हो? अच्छा, मुंबई से आए हो, मुंबई से स्पेशल उदयपुर राजस्थान आए हो। तो देखिए, सोचिए दोस्तों, मुंबई के जो हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ पे आकर के इस होटल को एक नया रंग रूप दे रहे हैं। तो सोचिए, मुंबई के आर्किटेक्चर्स, मुंबई के जो वहाँ से कारीगर, और एक ये रूम तैयार हो रहा है दोस्तों। ये एकदम रोड साइड का व्यू है जो कि सामने को आपको बालकनी, सामने बालकनी में व्यू नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरा जो है बैकग्राउंड है, आप देखिए कितनी अच्छी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये बेडरूम है यहाँ पे, ये बेडरूम तैयार हो रहा है यहाँ पे। और ये टीवी का वार्डरूम है, यहाँ पे LED लगी हुई है, ये वुडन का बनना है। ये टाइल्स नहीं है दोस्तों, ये पूरा वुडन के अंदर तैयार हो रहा है। तो देखिए काफ़ी प्यारा बन रहा है और एक नज़र में टाइल्स से कम नहीं बना, इतना प्यारा लग रहा है। लेकिन वुडन के अंदर ये क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। और ऊपर पूरी LED लाइट्स लगेगी चारों तरफ, पंखा यहाँ लगेगा और सामने की तरफ AC लगेगी। और रोड का व्यू है यहाँ से काफ़ी सुंदर है दोस्तों। आप यहाँ पे एकदम बालकनी व्यू, ठीक है, नीचे बसें जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, तो बालकनी व्यू वगैरह आप यहाँ से। तो ये बालकनी व्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार बालकनी व्यू है यहाँ का। ये अयोध्या पुल का मेन चार रास्ता है, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक वहाँ से निकलने को मिल रहा है, पब्लिक भी काफ़ी सारी इधर से निकलती है, एकदम प्राइम लोकेशन है। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं ताकि कोई कबूतर वगैरह भी फिलहाल ना हो इसमें। काफ़ी अच्छा रूम तैयार हो रहा है। आइए सर से जानते हैं कि और कितना समय लगेगा इसको। तो सर, रूम वगैरह काफ़ी आर्किटेक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, तो समथिंग कितने टाइम में पूरा होटल तैयार हो जाएगा? 8 से 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन। तो 15 डेज मतलब खाली ऊपर वाला फ्लोर या पूरा होटल का? ये ऊपर का जो 6 रूम, अच्छा, जो लग्जरियस रूम जो बने हुए, ये विदिन 15 डेज में ये कम्प्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, अराउंड दिस मान लो कि अगले महीने या 15 दिन बाद भी मैं अगर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर बुकिंग हो जाएगा। और बाकी नीचे सारे रूम फिर इस तरह से तैयार होंगे। तो आपने देखा होगा हमारे वीडियो के अंदर, पुराने जितने जहाँ हम रूम में ठहरते हैं नीचे 202, 201, तो सारे रूम इस तरह से तैयार होने वाले हैं। ये साउंड प्रूफ है ऊपर से, ये साउंड प्रूफ। अच्छा, साउंड प्रूफ ही है? बिल्कुल सर। ये पॉइंट वाली बात है, जैसे अपन कहीं खड़े तो ट्रैफिक की आवाज बिल्कुल कम आ रही है, नहीं तो नीचे वाले रूम में रहते तो ट्रैफिक की आवाज ज्यादा आती है। अच्छा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो आप? जो किसी साइड से साउंड आएगी नहीं, मतलब इतना कवर्ड किया जा रहा है कि कहीं से भी आपको साउंड एहसास ही नहीं होगी कि कैसे भी हमें साउंड आ रही है। सारा मतलब 6 की 6 रूम में साउंड प्रूफ ही है, साउंड प्रूफ है। हाँ, ये पूरा सब कवर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये पूरा यहाँ पर, यहाँ डोर आ रहा है, ये सारा कवर हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल बाहर के लोग आवाज बाहर तक, अंदर का अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, बिल्कुल ये रोड साइड का व्यू है। और सर ने बताया कि देखिए इधर कितनी सारी पब्लिक वगैरह चल रही है, अभी मैं बाहर आया हूँ तो देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन रूम के अंदर इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है। तो मेन चीज़, आप होटल में रुकते हो तो मेन चीज़ क्या चाहिए अपने को? शांति। कि अब आप एक इतना थके हारे हुए आते हो बाहर से और उसमें भी साउंड आता रहे बाहर का, तो आप बोर हो जाते हो। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। तो साउंड प्रूफ रूम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपको उदयपुर में रुकना हो साउंड प्रूफ रूम के अंदर, तो पारस होटल से बेस्ट डेस्टिनेशन और कोई नहीं हो सकता है।